आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं पोको F1 के वेब OS के लेटेस्ट अपडेट, जो कि एंड्रॉयड 11 का ऑफिशियल अपडेट है, उसके बारे में बिल्कुल कंप्लीट रिव्यू और साथ साथ इंस्टॉलेशन भी है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा और देखते हैं क्या कुछ जो है हमें यहाँ पे मिल जाता है, बैटरी बैकअप एंड एंटूटू स्कोर और गेमिंग परफॉर्मेंस किस तरीके से देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ें भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि हम चलते हैं अबाउट फ़ोन के अंदर, तो ऊपर वर्जन मिल जाता है 4.5 है, फ्लेवर रस मलाई जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, टाइप हमारा जो है ऑफिशियल बिल्ड है ये, मेंटेनर नेम मिल जाता है। और एंड्रॉयड वर्जन के अंदर चलते हैं तो 11 है और सिक्योरिटी पैच हमारा 5 जून 2021 का मिल जाता है। गूगल प्ले सिस्टम अपडेट 1 अप्रैल 2021 का मिल जाता है और यहाँ पे कर्नल हमारा 4.9 बेस सिल्वर कोर कर्नल मिल जाता है यहाँ पे, जो कि 9.3 वर्जन है, और सेलिनक्स इन्फोर्सिंग मिल जाता है। और यहाँ पे हमारा जो स्टेटस बार है, बैकग्राउंड ब्लर बिल्कुल आपको इनेबल मिल जाता है और वाईफाई यूजर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एडिट के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे टाइल्स देखोगे तो काफ़ी सारे टाइल्स हमें देखने को इसके अंदर मिल जाते हैं। हेडफोन बॉडी भी दिया गया है, साथ साथ यहाँ पे आपका जो है FPS काउंट भी देखने को इसके अंदर मिलता है, जो कि FPS इन्फो आपको देखने को मिलेगा ओवरले। और 3 डॉट पे रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम यहाँ पे फिलहाल सबसे पहले आपको दिखा दें FPS इन्फो, तो ये जो है बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है FPS काउंट, तो इसके अंदर आपका ये वर्किंग मिल जाता है। और यहाँ पे हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है, इसमें लो क्वालिटी का भी ऑप्शन दिया गया है। फिलहाल यहाँ पे जो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर है, इसको स्टार्ट कर दिए और देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस देता है। तो यहाँ पे फिलहाल हमें लैगिंग देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्लर वाला जो ऑप्शन है आप इसे ऑफ कर दोगे ब्लर को, तो आपका रिकॉर्डिंग जो है काफ़ी पहले से बेटर देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ आप कर लेना। एंड वॉल्यूम पैनल एक्सटेंड हो जाता है, पावर मेन्यू आपको मिल जाता है, जो कि एक सेटिंग से आपको एडवांस रिस्टार्ट इनेबल करना पड़ता है, तो कुछ इस तरीके से आपका ये रिस्टार्ट पर मिल जाएगा। और ऐप ओपनिंग में ऐसी कोई दिक्कत नहीं मिलती, ऐप ओपनिंग जो है यहाँ पे अच्छी है, आप देख सकते हो कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता, रिसेंट भी काफ़ी अच्छा है। और क्लियर ऑल मिल जाता है, शेयर का ऑप्शन मिल जाता है हमें यहाँ पे, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें 3 फिंगर स्क्रीनशॉट की, तो 3 फिंगर स्क्रीनशॉट में हमें जो है स्क्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है, शेयर एडिट डिलीट और स्क्रॉल, और तो आप यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर कर पाओगे। और यहाँ पे जो है हमारा जो कॉलिंग है, कॉलिंग के अंदर आपका वॉल्टी काम करता है, वीडियो कॉल काम नहीं करता, वीडियो कॉल के लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करना पड़ेगा। और ब्लूटूथ ऑडियो आपका मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पे ही काम करता है, तो यहाँ पे आपका कॉलिंग कुछ इस तरीके से मिलता है। अगर हम यहाँ पे चलते हैं कैमरे की तरफ, तो कैमरा जो डिफ़ॉल्ट कैमरा आपको मिलता है यहाँ पे, कैमरा गो देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आप जी कैम भी अच्छे से यूज़ कर पाओगे, तो 8.1 बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, स्लो मोशन भी वर्किंग है, तो आप जो है जी कैम फिलहाल यूज़ कर पाओगे, पोर्ट्रेट मोड पिक्चर हो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग हो, आपको यहाँ पर दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे हमारा जैसे कि हम बात करें और बाकी एप्लीकेशन के, तो FM आपको मिल जाता है यहाँ पे, और ज़्यादा गूगल के एप्लीकेशन मिलते हैं क्योंकि GApps इंक्लूडेड है। लॉन्चर आपका वेब OS का ही मिल जाता है यहाँ पे। और जैसे कि यहाँ पे स्टाइल एंड वॉलपेपर्स में चलते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है ये कुछ एक स्टाइल आपको मिल जाता है, और वॉलपेपर देखोगे तो यहाँ पे वेब OS के काफ़ी सारे वॉलपेपर्स भी आपको देखने को इसके अंदर मिल जाते हैं। स्टाइल एक है, ग्रिड मिल जाता है यहाँ पे, कुछ ग्रिड दिए गए हैं, और साथ साथ क्लॉक स्टाइल भी देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन के लिए, तो आप यहाँ पे इनका भी यूज़ कर पाओगे, तो ये पूरी तरीके से आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और विजिट्स की अगर बात करें, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से विजिट्स मिल जाता है, और यहाँ पे वेब OS का भी जो है विजिट्स एक मिल जाता है जो कि सेट ऑलरेडी। और प्ले स्टोर हमारा बिल्कुल सर्टिफाइड मिल जाता है, यानी कि सेफ्टी नेट आपका पास है, तो बैंकिंग ऐप आप आराम से यूज़ कर पाओगे, तो आपको दिखा दूँ यहाँ पे, तो सेफ्टी नेट हमारा जो है यहाँ पे बिल्कुल पास मिल जाता है विदाउट रूट, तो आपका यहाँ पे सेफ्टी नेट पास है, आप देख सकते हो। और सेटिंग्स के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा नेटवर्क इंटरनेट के अंदर वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट सेम टाइम पे काम कर रहा है, बाकी के ऑप्शन भी आपके काम कर रहे हैं। कनेक्टेड डिवाइस के अंदर मेन जो हमारा बात करें कास्ट की, तो कास्ट आपका वर्किंग है यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्ले के अंदर आपको मिल जाता है एडेप्टिव ब्राइटनेस और ब्राइटनेस लेवल, स्क्रीन टाइम आउट मिल जाता है, नाइट लाइट मिल जाता है, कलर मिल जाता है जो कि बूस्ट आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें काम कर रही है। और यहीं पे आपको डिस्प्ले कटआउट भी मिलता है, जिसमें डिस्प्ले कटआउट के अंदर आपका हाइड का ऑप्शन दिया गया था, आप जो है यहाँ से हाइड वाला ऑप्शन इनेबल कर सकते हो, और ये अच्छे से काम कर रहा है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी, तो आप इसे जो है यहाँ से इनेबल एंड डिसेबल कर पाओगे जब भी आप चाहो। और लॉक स्क्रीन के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे हमें लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो मिल जाएगा, और ऑलवेज शो टाइम इन्फो मिल जाता है, और ये भी काम कर रहा है, आपको दिखा देते हैं, आप देख सकते हो ये जो है वर्किंग मिल जाता है। और नीचे बैक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन दिया गया है, एज लाइटिंग जो कि एज नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, एडवांस सेटिंग में आपको ऑलवेज ऑन यहाँ पर भी दिया गया है, और ये वर्किंग मिल जाता है, तो आप इसका यूज़ कर पाओगे।
और नीचे आपको डिस्प्ले मीडिया कवर आर्ट देखने को मिल जाता है, और पॉकेट डिटेक्शन है और डबल टैप टू बैक है जो कि काम कर रहा है। ब्लर जो है यहाँ से आप डिसेबल इनेबल कर पाओगे, और डार्क थीम भी जो है काम कर रहा है। स्टेटस बार के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाता है डबल टैप टू स्लीप है, आइकन मैनेजर मिल जाता है, और यहाँ पे आपका बैटरी स्टाइल भी देखने को मिल जाएगा कुछ ये तीन, और बैटरी परसेंटेज भी है, और यहाँ पे ट्रैफिक इंडिकेटर आपका काम कर रहा है, हालांकि ऐसे जो है काम नहीं करेगा अगर आपका, तो इनेबल एंड डिसेबल एक बार कर देना इस तरीके से, और थोड़ी देर वेट करोगे तो ये जो है काम करने लग जाएगा, या फिर आप नेट स्पीड जो है वो एक्टिविटी दिया गया है उसको भी चाहो तो आप थोड़ा सा इधर उधर करते हो हाई या लो, तो ये जो है काम करना स्टार्ट कर देता है। तो आप देख सकते हो जैसे कि ये जो है काम करने लग गया है, तो ये आपका काम करता है। इंटरनेट स्पीड जो है आप यहीं से इनेबल कर पाओगे। बाकी नीचे आपका रोटेशन काम कर रहा है, और यहाँ पे आपका स्क्रीन सेवर दिया गया है, और VR का ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिल जाता है। और कस्टमाइजेशन तो फिलहाल ऑलरेडी आपको स्टाइल एंड वॉलपेपर्स दिखा ही चुके हैं, यहाँ पे कस्टमाइजेशन के नेम से देखने को मिलता है। और साउंड के अंदर आपको नॉर्मल पूरी सेटिंग्स मिल जाती है, अदर साउंड एंड वाइब्रेशन की जो सेटिंग्स होती मिल जाती है, इन कॉल वाइब्रेशन भी है, साथ साथ नीचे MI साउंड एनहांसर भी दिया गया, और ये काम करता है, तो आप जो है यहाँ पे यूज़ कर पाओगे इसका। और ऐप एंड नोटिफिकेशन में चले तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप्स आप देख सकते हो, यहाँ पे ये कुछ डिफ़ॉल्ट ऐप्स हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर। और सिक्योरिटी के अंदर चलते हैं तो फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक और ऐप लॉकर मिल जाता है, और यहाँ पे पैटर्न साइज देखने को नहीं मिलता, और हमारा जो फेस अनलॉक है वो फिलहाल आपको IR फेस अनलॉक ही देखने को मिलता है, और वर्किंग भी है तो आप इसका यूज़ कर पाओगे। तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट दिखा दो, तो फिंगरप्रिंट रिस्पॉन्स आपका कैसा है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये जो फिंगरप्रिंट है आपका काफ़ी फास्ट और काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो फिंगरप्रिंट में दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे IR फेस अनलॉक जो है यहाँ पे उतना ज़्यादा फास्ट आपका नहीं है, जैसे कि कुछ कुछ रोम्स में फास्ट काम करता है, लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन कभी कभार जो है फास्ट में भी अनलॉक हो जाता था, आप देख सकते हो, तो इतना टाइम लेकिन ले ही रहा है। और यहाँ पे जैसे कि हमारा यहाँ पे मिल जाता है ऐप लॉकर, तो ऐप लॉकर भी दिया गया, तो ऐप लॉक आप यूज़ कर पाओगे इसके अंदर। लॉक ऐप आफ्टर भी दिया गया ऑप्शन, और स्क्रीन लॉक सेटिंग्स ये देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे अपने बैटरी की तरफ, तो बैटरी के अंदर आपको थर्मल प्रोफाइल जैसे कि देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ पे चूज़ कर पाओगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे सभी के थर्मल, और यहाँ पे बैटरी सेवर मिल जाता है, और बैटरी मैनेजर भी है, और अगर नीचे देखोगे तो बैटरी टेम्परेचर भी मिल जाता है। अगर हम बैटरी की बात करें तो 2 आवर फुल ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 63% बैटरी हमें यहाँ पे देखने को इसके अंदर मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप भी यहाँ पे इसके अंदर मिल जाती है। ये थी हमारी बैटरी। और नेक्स्ट हम चलते हैं डिजिटल वेल्बिंग के अंदर, तो डिजिटल वेल्बिंग का जैसे कि सपोर्ट मिल जाता है, एक्टिविटी अनलॉक नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है आप अपनी चेक कर पाओगे, आपको मिलता है इसके अंदर। सिस्टम में आपका जो है जेस्चर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपका स्वाइप टू स्क्रीनशॉट है, सिस्टम नेविगेशन मिल जाता है, इसकी कुछ सेंसिटिविटी सेटिंग्स मिल जाती है आपको, और 3-बटन नेविगेशन भी अच्छे से काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसका भी जो है यूज़ कर पाएंगे। और इसके पास भी एक सेटिंग्स मिल जाती है यहाँ पे, जो कि इन्वर्ट नेविगेशन बार लेआउट, जो कि लेआउट चेंज कर सकते हो, ये चीज़ आपको मिल जाता है। और हमारा जेस्चर एंड नेविगेशन बटन लेकिन आपका अच्छे से काम कर रहा है, रिंगिंग मिल जाता है, पावर मेन्यू यहीं पे आपको मिल जाएगा, और डिस्प्ले प्लेबैक भी दिया गया है, क्विक टॉर्च भी देखने को मिल जाता है यहीं पे, और बाहर बटन का ऑप्शन है जहां से आप जो है एडवांस रिस्टार्ट को इनेबल कर पाओगे, और यहां पे आपका मल्टीपल यूज़र देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें एंटूटू स्कोर की, तो 283,758 जो है हमारा यहाँ पर एंटूटू स्कोर इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे चले इंस्टॉलेशन की तरफ, तो यहाँ पे वेब OS जो है रोम आपको डाउनलोड कर लेना है, GFS के अंदर इंक्लूडेड है, अलग से आपको GFS डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये करने के बाद आपको अपने फ़ोन को ऑफ करना है सिंपली, और वॉल्यूम अप एंड पावर बटन को थोड़ी देर होल्ड करके रखना है, तो आप जो है रिकवरी पे आ जाओगे। तो इसके बाद रिकवरी पे आने के बाद वाइप पे सिंपली जाना है आपको, और वाइप पे जाने के बाद आपको डॉल्वी कैश सिस्टम वेंडर डेटा पांचों को सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी रिकवरी में आपको जो है ये मेन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इन पांच ऑप्शन को ही आपको सेलेक्ट करना है सिंपली, और यहाँ पर जो है स्वाइप टू वाइप कर देना है कुछ इस तरीके से। और आपका यहाँ पर जब ये वाइप हो जाए तो सिंपली आपको जो है चलना अपने फाइल के अंदर। तो जैसे कि ये कंप्लीट हो गया, तो हमें चलना है यहाँ पे इंस्टॉल, मतलब कि अपने फाइल में जहाँ पे आप रोम रखे हो, तो सिंपली सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे आपको इसे इंस्टॉल कर देना है और थोड़ी देर वेट करना है, तो आपका ये जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे वाइप कैच कर देना है और रिबूट सिस्टम पे क्लिक करके रिबूट कर देना है, और थोड़ी देर वेट करना है। आपका यहाँ पे जो है बूट एनिमेशन देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, वेब OS का जो बूट एनिमेशन है आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिल जाता है, और लास्ट में भी आप देखोगे तो यहाँ पे वेब OS का एनिमेशन आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये था इसका बूट एनिमेशन, और फ़ोन ऑन हो जाएगा तो उसके बाद सेटअप कंप्लीट कर लेना। और यहाँ पे आपके जो एप्लीकेशन है डिफ़ॉल्ट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे GFS इंक्लूडेड है, तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन भी मिल जाते हैं, बाकी आप अपने यूजर्स के हिसाब से प्ले स्टोर से कर सकते हो, तो ये सभी एप्लीकेशन मिल जाते हैं। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे गेम के अंदर, तो गेम की जो ग्राफिक हमें मिलती है वो मिलने वाली है स्मूथ पे एक्सट्रीम तक, बैलेंस पे अल्ट्रा, HD पे अल्ट्रा, और HDR पे भी अल्ट्रा, अल्ट्रा HDR का ऑप्शन नहीं मिलता।
बाकी हम स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेलेंगे। और बात करें यहाँ पे पबजी परफॉर्मेंस को लेकर के, तो यह जैसे कि आप क्लोज रेंज फाइट करते हो तो अगर आपको स्टार्टिंग में तो दिक्कत ऐसी कोई देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन लास्ट गेम जैसे कि आप होने लग जाता है आपका लास्ट, थोड़ा सा लास्ट के करीब आप पहुँचते हो गेम में, तब आपको दिक्कत थोड़ी थोड़ी देखने को मिलेगी। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी। फिलहाल ऐसे जो है आपका काफ़ी अच्छा क्लासिक में आपको लास्ट में ही वही दिक्कत देने वाला है कि जैसे कि आप लंबा गेम जैसे कि क्लासिक आपका चलता है करीब 30-30+ मिनट का, तो ये जो है आपको उस टाइम पे दिक्कत देखने को मिलेगी कि लास्ट गेम पे ही आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे गेम के लास्ट स्टेज पे आप पहुंचोगे तो दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज़ मुझे भी फेस हुई है। फिलहाल मैं यहाँ पे TDM खेल रहा हूँ, लेकिन उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो है यहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी क्लासिक के अंदर लास्ट में ही। तो TDM पे भी आपका जो है यहाँ पे TDM जैसे कि हम खेलते हैं तो TDM पे भी एक दो TDM खेलने के बाद जो है दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ जो है आपको फेस करनी पड़ेगी। मतलब पूरी तरीके से गेमिंग रूम तो आपको यहाँ पे फिलहाल नहीं मिलता है। आप थोड़ा बहुत अगर खेलते हो तो चल जाएगा, अगर ज़्यादा खेलते हो तो आपको जो है वही दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है फिर। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगले वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स for watching.